ये बड़ा विचारणीय है सरकार के। समाज कैसा कितना महत्वपूर्ण है अपनी ऐसी मांगों को लेकर जो उसके पीछे से और समाज की ऐसी बात से जुड़ी है उनको लेकर हम शांतिपूर्ण रैली के माध्यम से जैसा कि किया है कि हमारे शांतिपूर्ण इस चीज़ को रखते हुए सरकार तक अपनी बात पहुँचाएंगे कि हमारी जो भी मांगे चाहे वो मेडिकल इंश्योरेंस और चाहे हमारे पेशे संबंधित हैं जो न्यू साथी हमारे आए हैं उनसे संबंधित हम लोगों को जो भी हमारी मांगे हैं वो जल्द से जल्द। मेरा नाम विशम कुमार शर्मा है, मैं गाजियाबाद में एडवोकेट हूँ। आज हम गाजियाबाद से 40-50 एडवोकेट्स यहाँ पर आए हैं, सब टैक्स की प्रैक्टिस करते हैं हम लोग, और हमारी जो मांगे हैं बहुत दिनों से लगातार चल रही हैं, लेकिन माननीय मोदी जी ने वादा करने के बावजूद भी वो पूरी नहीं की हैं, इसलिए आज ये प्रोटेस्ट शांतिपूर्ण ढंग से किया जा रहा है। इसमें सबसे पहली मांग है हमारी, जो हमारे साथी यंग एडवोकेट आते हैं उनको भत्ता दिया जाए, स्टिपेंड दिया जाए, दूसरा हमको प्रोटेक्शन दिया जाए, कहीं से भी कुछ भी घटना घट जाती है कोई भी एडवोकेट पे हावी होने को तैयार हो जाता है, हमारे साथ कोई दुर्घटना हो जाए तो उसका हमको कंपनसेशन मिलना चाहिए, और बहुत सारी डिमांड्स हैं। और सबसे बड़ी डिमांड टैक्स एडवोकेट्स की ये है कि जितने भी टैक्स प्रैक्टिशनर्स हैं उनको GST के अंतर्गत जो एनुअल रिटर्न है उसको वेरीफाइड करने की पावर दी जाए। हम लोग तो खैर UP से आए हैं, NCR से ही गाजियाबाद, ऑल ओवर इंडिया से आए हैं। उस सरकार के नीतियों के लिए इकट्ठे हुए हैं ताकि जो सोसाइटी के लिए काम कर रहे हो उनको उनका अधिकार प्राप्त हो। सरकार को न्यायपालिका और कार्यपालिका में एक स्तंभ जो न्यायपालिका है उसके लिए हमारी जो सोच है उसको सहयोग करना चाहिए, हमारे मांगों पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हम सरकार के कार्य में ही आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं, उनके जो दायित्व है उसकी पूर्ति के लिए हम लोग लड़ रहे हैं। और आज जितने हमारे अधिवक्तागण आए हैं जंतर मंतर पर, मैं उन सब की तरफ से आपसे कहता हूं कि सरकार को हमारी मांगों को पूरी करनी चाहिए, और हम लोगों का स्थान जहां है न्यायपालिका में उस स्थान को सर्वोच्च कार्यपालिका के साथ बराबर का हिस्सेदारी है, और उसमें हमारा स्थान सुनिश्चित करना चाहिए सरकार को, यही मेरा कहना है। और मैं चाहता हूं कि सरकार न्यायपालिका की हर पहलू को गौर करे और जो हमारी मांग है उसको पूरे करने के पक्ष में सपोर्ट करे, अपना निर्णय दे और हम लोगों को आगे ले जाए। आपकी मांगे पूरी नहीं करती हैं, इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? यदि सरकार हमारी मांगों को पूरा नहीं करती है तो हम ये कहना चाहेंगे कि सरकार को हम इसका आंदोलन करेंगे, इसके लिए हम अपनी मांगों को पूरा करने के लिए, और सरकार से जहाँ तक होगा इसके लिए पूरा पूरा हम डिमांड रखेंगे, और जायज डिमांड रखेंगे, कोई नाजायज डिमांड नहीं रखेंगे, जिसको वो पूरी कर सकें, ऐसी कोई भी चीज़ हम नहीं रखेंगे जिसको वो पूरी नहीं कर सकें। चाहे सरकार निर्णय ले कि हमारे साथ बैठकर और सक्षम टेबल पर इस चीज़ को निर्णय लें कि ये आवश्यक है या नहीं है, और हमने जो काम किया है, वकीलों ने जो काम किया है, पूरे देश के अधिवक्ताओं ने जो काम किया है, वो सरकार के काम काज में कितना सहयोग प्रदान करती है, इसका निर्णय सरकार को लेना है। अब सरकार यदि हमारी मांग फिर भी पूरी नहीं करती है तो हम इसके लिए आंदोलनरत रहेंगे और पूरे देशव्यापी आंदोलन करेंगे, इसकी भी हम आपको सूचना सरकार को आपके माध्यम से देना चाहते हैं।